बंद करके जो एक चेहरा नजर आया बाला निकालो उसके ऊपर। अच्छा लगा, प्लीज आप लोग गलत कमेंट्स मत कीजिएगा, हर चीज का एक शौक होता है, तो गुनाह तो हम बहुत सारे करते हैं, बहुत सारे हमसे गुनाह हो जाते हैं जाने में, जो जानबूझ के भी करते हैं वो भी तो गुनाहों में ही शामिल होता है ना। बिल्कुल, तो ये तो एक शौक होता है बस, खाली और कोई बात नहीं है, तो हमें पता है कि ये गुनाह है लेकिन शौक तो कोई मोल थोड़ा ही होता है। तो गाइस यहाँ पे जो है वो गोपाल भाई बोल रहे हैं कि भाभी को लेकर डॉक्टर के पास जाएंगे चेकअप के लिए। हाँ, चेकअप के लिए, रूटीन चेकअप के लिए जाएंगे ना, एक दो दिन में जाएंगे। तो भाभी को शर्म आ रही है, रात को एक आंटी ने वीडियो भी बनाई थी कि तुम्हें शर्म करनी चाहिए, लेकिन मैंने बोला आजकल बुक्स में ये सब कुछ पढ़ाते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमजे लाइफस्टाइल, और मैं आज फिर हाजिर हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो आज जो है मैं फिर गोपाल भाई और सोनिया भाभी के घर पे जाने वाला हूँ, और आज वहाँ पे बनने वाला है एक और टैटू, और वो आप लोगों को पता चलेगा इसी वीडियो में कि किसका टैटू बनने वाला है। तो आज बनने वाला है खांजी ब्लॉग का टैटू, आई नो कि आप सब उनको जानते हैं। तो आज बेसिकली खांजी ब्लॉग का टैटू बनेगा, तो मैं सारा प्रोसेस आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह टैटू बनेगा और क्या सिचुएशन होगी। तो बस अभी चलते हैं वहाँ पे और वहाँ जाकर आप लोगों से मिलते हैं, और बहुत शुक्रिया आप सबका मेरी वीडियोस पे इतना प्यार दिखाने का और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मुझे हर चीज़ का बताने का, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और बस अभी चलते हैं वहाँ पे और वहाँ जाकर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या सिचुएशन है। तो सी यू गाइस। अच्छा लगता है ये मेरा क्लिप लेना, गाइस इसमें काफ़ी एक फ्रेशनेस होती है। यस, यहाँ पे सिचुएशन हम लोग फाइनली गोपाल भाई लोगों के घर पे पहुंच गए हैं, और यहाँ पे आके सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा सिचुएशन है। तो मैं आप लोगों को अंदर लेके चलता हूँ और सबसे मिलवाता हूँ कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है। तो और अभी खांजी लॉग भी जो है आने वाले, तो भाई हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, व्यूअर कैसे हैं आप सब। आज आया हुआ है हमारे घर पर नूडल्स एमजे लाइफस्टाइल, जॉनसन भाई आए हुए हैं, लाइक करो फॉलो करो। और बिटी छुप गई है, भाभी पीछे छुप गई है, बिकॉज पता नहीं क्या। इसको देखो, इसको देखो, इसके तो कोई देखता ही नहीं है, इसको तो कोई देखता ही नहीं है। तो भाभी आप क्यों छुप रहे हो? पूछ पूछ पूछ, कैमरे पे आओ। तो गाइस भाभी को ठंड बहुत लग रही है, इसलिए जो है वो छुप रही है। वो गाना सुनो, कहानी सुनो। जी जी बिल्कुल, कौन सा? कहानी सुनो, कौन सा? आगे सुनो, आगे सुनो, मैं सब कुछ सुना दूंगी। कौन सा सुना? मुझे प्यार हुआ, वो कराची का लड़का, उसका गाना है। हाँ, बलोच कैफे खलील, कैफे खलील, उसका यही गाना सुपर हिट हुआ है ना। एक ही बहुत उसका अच्छा लगता है, यार नहीं वो बोलता मेहंदी ऐसे करके नहीं बोलता। तो यहाँ पर सिस्टम ऑन हो गया और अभी फुल मूवी सीन्स होने वाले हैं, तो हम लोग आप लोगों को मिलते हैं थोड़ी देर में। तो तब तक के लिए इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि अभी जो है हम लोग फुल शॉर्ट्स देखेंगे यूट्यूब पे, तो उसके लिए हमें टाइम लगेगा। आई बी कैश में गाइस आके सुनता है, तो ऊपर जाके देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो गाइस यहाँ पे जो है वो गोपाल भाई बोल रहे हैं कि भाभी को लेकर डॉक्टर के पास जाएंगे चेकअप के लिए। हाँ, चेकअप के लिए, रूटीन चेकअप के लिए जाएंगे ना, एक दो दिन में जाएंगे। तो भाभी को शर्म आ रही है, रात को एक आंटी ने वीडियो भी बनाई थी कि तुम्हें शर्म करनी चाहिए, लेकिन मैंने बोला आजकल बुक्स में ये सब कुछ पढ़ाते हैं। एट क्लास के बच्चों को यही पढ़ाया जाता है। हाँ वही तो, देखो बाहर के मुल्क में, इधर उधर इंडिया में, हर चीज में, हर चीज जब ड्रामे देखते हो उसमें भी तो लड़कियां देखती है ना, ड्रामे भी तो देखती, तो उसमें भी तो सब कुछ बताते ही है ना। लोग तो अभी आए हैं ना, तो पहले भी तो सब कुछ हर चीज क्या था, स्कूल में भी बच्चों को यही ही पढ़ाया जाता है, बुक्स जब होती है जो बच्चों को, और जो डॉक्टर बनते हैं उनको भी यही सिखाया जाता है। जी बिल्कुल, जो बच्चे ये वो ऐसी चीजें सिखाते हैं। क्या हुआ? वीडियो बन रही है। ऐसी आवाज सुनते हैं।
गाइस आप इस कपल को जो है वो कमेंट में नेक हिदायत दें। चल चल बना रोटी का बाला निकाल इसको ऊपर। ये ठीक नहीं है, इसका नाक लगता है। मेरा नाक भी मतलब जानता वाला कभी देखा भी है हमने आप करके जो एक चेहरा नजर आया तो अभी नहीं वो मेरी माँ ला ले जूते तो आप कुछ कहना चाहोगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं? बहुत जबरदस्त मजा आ गया, मैंने सारी तारे लेकिन जल्दी बन गया, दर्द इतना फील नहीं हुआ मुझे फिर। तो अभी आप खुश हो? हल्का सुई जो ना अच्छा लगा। प्लीज आप लोग गलत कमेंट्स मत कीजिएगा, हर चीज का एक शौक होता है तो गुनाह तो हम बहुत सारे करते हैं, बहुत सारे हमसे गुनाह हो जाते हैं जाने में, जो जानबूझ के भी करते हैं वो भी तो गुनाहों में ही शामिल होता है ना। बिल्कुल, तो ये तो एक शौक होता है बस, खाली और कोई बात नहीं है। तो हमें बताएं कि ये गुनाह है लेकिन शौक का कोई मोल थोड़ा ही होता है। तो अभी यहाँ पे जो है इनका टैटू बन गया और अभी हम जो है सेटअप उठा रहे अब ना यूं कर, आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि कैसा लगा। हां एक मिनट फिर से यूं भी करो और यूं करो ऐसे। हाँ ये सीन है तो यहाँ पे घड़ी पे डिस्कस हो रहा है। फोन आ तो से लेके आई है ये वाली वो दूसरी अकेली थी। इस पे बहस नहीं लगा जल्दी लगा ली लगा ले इसमें लगा के रखनी है आपको। सही नाम क्या है? हसम। हसम हसम खसम नहीं ठंडी लगन दी अभी काम कर रही है किसके पास है अच्छा भाभी मैं एक वर्डिंग बोलूंगा आपने मेरे पे से रिपीट करनी ओके तो आप बोलो मम्मी डोंट नो डैडी गेटिंग हॉट एट द बॉडी शॉप डैड बॉडी नहीं at the body shop doing something unholy तो गाइज मैंने सैम स्मिथ का बहुत फेमस गाना भाभी से बुलवाया तो आप भी कमेंट में बताइए मम्मी डोंट नो डैडी इज गेटिंग हॉट एट द बॉडी शॉप डूइंग समथिंग अनहोली। जी तो आप लोग कमेंट में बताएं कि भाभी को मैं क्लासेस दूं ट्यूशन की या नहीं। यार दे दे कसम से पूरा आपने वाकई मुझसे पढ़ना बस सही डन हो गया। ऑनलाइन क्लास होगी आपकी सुबह जो है वो 8 से नहीं सुबह मैं 8 बजे तो मैं खुद बिजी हूँ। आपकी क्लास होगी शाम में 4 बजे तो फिर आप आया करोगे? नहीं डेली आएंगे नहीं, ऑनलाइन क्लास होगी आपकी, आप फोन के आगे बैठोगे या लैपटॉप जो भी होगा सही है अगर आपकी ट्रेनिंग होगी। यार मेरे पास मेरे बच्चे मेरा मोबाइल मुझे नहीं देते। आप एक नया फोन लो ऑनलाइन क्लासेस के लिए, लैपटॉप पे आपकी क्लास होगी तो बस सही है फिर इंग्लिश। तो फिर गाइस आप लोग मुझे बोलते हैं कि इंग्लिश ज्यादा नहीं बोला करो, फिर ये कमेंट आपको भाभी की वीडियो पे भी करना पड़ेगा। इंग्लिश बोलना चाहिए आगे आगे जी, तुम बहुत दुनिया तरक्की कर रही है और साइंस का जमाना है, साइंस साइंस के बिना कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, मैं खुद चाहती हूं मेरे बच्चे इंग्लिश बोले। एग्जैक्टली, तो बस अभी यही सीन है यहाँ पे और अभी हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग तो नहीं, हनी तैयारी कर रहा है। कौन क्या मतलब हनी तैयारी कर रहा है? चलो अभी खाना तैयार कर रहा है, खाना इसमें जो दो मछलियां थी वो भी खत्म हो गई। बैठ जाओ चलो, मैं चाहती हूं मेरी बाइक में जाओ। चल भाई आपके हाथ से पता चल रहा नरम है, चाल के तक मार के वे। हां नरम हो गए, बहुत ही नरम, पहले नहीं था ऐसा।
जाम हो जाता तो मैं पता चीज पड़ी पड़े जाम बिल्कुल सही बोला बिट्टी पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है बिट्टी असल में ज़हनी मरीज़ है थोड़ी मजाक कर रही हूँ तो गाइस भाभी खोपरा खा रही हैं ताकि उनकी ज़हन हर चीज शार्प हो मैं ज़हनी मरीज़ हूँ आई एम वो मेंटल केस मेंटल केस शी इज बोच वही तो मैं कह रहा हूँ इसको देखो अगर मैं आता रहा तो यकीनन भाई और भाभी की और बच्चों के सबकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी एंड गारंटी तो नहीं है मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और जाते जाते गोपाल भाई आप कुछ कहना चाहोगे मैंने इसको बोला था मुझे ट्रांसप्लांटर सिखा तो इसे ट्रांसप्लांटर मेकअप कर दो तो ये बोल रहा नहीं गाइस मैंने ऐसा नहीं बोला हम लोगों ने कहीं पे जाना है इसलिए जो है वो हनी कह रहा है जल्दी जल्दी चलो नहीं मना नहीं किया नेक्स्ट टाइम आएंगे तो जरूर कहेंगे खाने की नहीं है वो तो भाभी जाते 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 आप इस वीडियो में क्या कहोगे हंसने के अलावा कभी कभी बंदा अपसेट भी हो जाता है खुशी के भी मौका आता है तो अभी मैं इसलिए खुश है मेरी बहन ने ना टैटू बनवा लिया आज इसने भी आज कसम तोड़ दी है जी बिल्कुल तो और आप क्या कहना चाहोगे इस वीडियो में बहुत अच्छा लगा बाकी वीडियो ऐसे नहीं बना सकती कि लोग मेरी बात किसने लाई होगी तो इस वीडियो में छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा मुझे आंटी हमारी वीडियो बनाती है मुझे उससे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है जब भी हमारी वीडियो बनाती है हमारा कम्युनिटी बॉक्स पे जरा लिंक लगा दिया उसमें लिंक लगा दिया कर दे हम व्यूज थोड़े से आ जाएंगे जी बिल्कुल तो मैं आप लोगों से मिलूंगा एक नई वीडियो में लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई विल बी कैचिंग यू गाइस इन अनदर वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़